हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट सिलेबस क्लास टेंथ वालों के लिए 2024 और 25 सीजन का इंपॉर्टेंट सिलेबस। कैसे कौन सा चैप्टर आने वाला है एग्जाम में, कितने नंबर का आने वाला है, ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपने ग्रुप में दोस्तों के शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी हमारा ये सिलेबस पता चले कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा चैप्टर। तो हमारा क्या दिया है, यहाँ पे इकाई दिया है, इकाई के नाम दिया है 7 तक, और इकाई का नाम हमारा क्या है, पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जो है हमारा वो कुछ खास चैप्टर नहीं है, उसे नॉर्मल ही पढ़िए, क्योंकि उसमें वो जो हमारा है उसमें अंक जो होगा सिर्फ 5 नंबर का होगा। वो जो हमारा क्वेश्चन पेपर में आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 5 नंबर का आएगा। तो इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग और जोर मत डालिए, ये सिर्फ 5 नंबर का होगा, लेकिन आपके पेपर के लिए 5 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये नहीं कि एकदम छोड़ दीजिए, बल्कि संख्या पद्धति भी पढ़िए लेकिन नॉर्मल पढ़िए। और हमारा सेकंड वाला क्या है, बीज गणितीय है। तो बीज गणितीय जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो होता है इसका अंक ये 18 नंबर का होता है, हाँ 18 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है। तो ये हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बीज गणितीय, जिसको अलजेब्रा कहते हैं, सबको ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा नंबर का होता है, इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से पढ़िए। इसमें 44% सिलेबस आपका कम भी हुआ है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद अगर आपको सिलेबस के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। उसके बाद तीसरा हमारा निर्देशांक ज्यामिति, ये भी हमारा कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये फॉर्मूले पे सारा डिपेंड। जैसे अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से निर्देशांक ज्यामिति आ जाएगा। तो इसमें भी हमारा क्या है, 5 नंबर है। उसके बाद है हमारा ज्यामिति, ये थोड़ा खास है, इसमें क्या होता है 10 नंबर का आता है। हाँ, तो ज्यामिति भी थोड़ा अच्छे से पढ़िए, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है, जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमारे किससे उठाए जाते हैं, ज्यादातर त्रिकोणमिति से ही उठाए जाते हैं। तो ये है त्रिकोणमिति हमारा जो होता है उसका अंक क्या होता है, 12 होता है। इसलिए ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। इसमें यह है कि फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा होते हैं, लेकिन इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। ये त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा सिलेबस है, आगे भी आपके ये काम आएगा। ये सिलेबस जो है हम अभी अगर आप टेंथ में पढ़ लेंगे तो अगर आप आगे कोई चीज़ का किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें त्रिकोणमिति सिलेबस जो होता है वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आगे भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। फिर है मेंसुरेशन, वो भी हमारा 10 मार्क्स का आता है, तो इसमें भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता से तो 5-5 नंबर का ही क्वेश्चन उठाता है। तो ये भी हमारा टोटल कितना होता है, 10 नंबर का। तो टोटल आपको मिला के क्या हो जाएगा, आपका पूरा नंबर 70 हो जाएगा, ये आपका 70 नंबर हो गया। और 30 नंबर जो होता है वो स्कूल के जरिए से मिलता है, वो जो होता है वो प्रोजेक्ट वर्क पे होता है। जैसे आपके स्कूल वाले प्रोजेक्ट बनाने को कहेंगे वैसा बना के अगर आप दिखा दिए तो वो प्रोजेक्ट वर्क से आपको 30 नंबर मिल जाता है। तो ये आपको एग्जाम में जो प्रिपरेशन करना है, जो तैयारी करना है, वो कितने नंबर की करनी है, 70 नंबर की, मतलब 70 नंबर की, जिसमें मैंने बता दिया सांख्यिकी से 5 नंबर आता है, बीजगणितीय से 18 नंबर आता है, निर्देशांक ज्यामिति से 5 और ज्यामिति से 10 होता है, त्रिकोणमिति से क्या होता है 12 होता है, मेंसुरेशन से 10 होता है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता से क्या होता है 10 होता है। टोटल आपका क्या हो रहा है, 70 नंबर हो रहा है। 30 नंबर अगर आप प्रोजेक्ट वर्क से कर लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपका पूरा 100 नंबर हो जाएगा। अगर आप 70 तक नहीं ला सकते तो प्लीज क्या है, 60 तक तो आप नंबर लाए। अगर 70 नहीं आ पा रहा आपका तो इतनी कोशिश कीजिए कि आपका नंबर 60 आए, और 60 नंबर से आप क्या करें, 30 प्रोजेक्ट वर्क से लेके आप 90 तो ले आए, 100 में से 90% तो ले आए। तो इतना अगर आपको मैथ में आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें से 44% सिलेबस कम भी हुआ, अगर उसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आज के लिए इतना ही वीडियो है, आपको यही बताना था कि किस सब्जेक्ट में, मतलब किस किस चैप्टर में कितने कितने मार्क्स मिल रहा है, यही आपको जानकारी देना था। क्लास टेंथ वाले 24 से 25 वाला जो सीजन है उन्हीं के लिए ये वीडियो है, आप लोगों को तैयारी करनी होगी। तो अगर आपको ये नंबर पता रहेगा तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अब आपको नंबर पता चल गया किसमें कितना नंबर मिलने वाला, उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दे, किसमें ज़्यादा मेहनत करना है, किसमें कम मेहनत करना है, उस हिसाब से तैयारी शुरू करिए। आप लोगों का जो भी रिजल्ट होगा अच्छा ही आएगा। उसके बाद अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। आज के लिए इतनी वीडियो, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।